छत्तीसगढ़ सरकार ने जाति प्रमाण पत्र की मुसीबत से प्रदेशवासियों को छुटकारा दे दिया है, क्योंकि अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ बच्चे को जाति प्रमाण पत्र भी मिल रहा है। भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को जन्म के समय ही पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का नियम बना दिया है। सरकार के इस निर्णय से उन लाखों परिवारों को फायदा होने जा रहा है जो स्कूलों में एडमिशन, नौकरी आदि के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकते रहते हैं। प्रदेश में अभी 2.25 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज है। देखिए किस तरह से भूपेश सरकार के इस फैसले का लाभ लाखों परिवारों को होने जा रहा है। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना कभी भी आसान नहीं रहा। उन्हें प्रमाण पत्र पाने सरकारी कार्यालयों के खूब चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे में सरकार ने लाखों परिवारों के करीब 2 करोड़ बच्चों को इस मुसीबत को समझा और सरल बनाने का एक बड़ा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला लिया है कि अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ बच्चों को जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है बच्चों के पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अक्सर और पिछड़े वर्ग के लोग अक्सर भटकते रहते हैं। इसमें एक फैसला हम लोगों ने लिया है कि यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और ये और जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण भी अगले 3 महीने में कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बच्चे के पिता की जाति के संबंध में 2006 के बाद सक्षम प्राधिकारी ने जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया है उसी आधार पर बनाया जाएगा, लेकिन यदि 2006 के पहले सक्षम प्राधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया है तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद ही बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का कहना है कि हमने बच्चों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति प्रदान कर दिया है। जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत बहुत घूमना पड़ता है, बहुत सारे अधिकार देने पड़ते हैं और ये भी कि चूँकि जो भी आदिवासी है अगर उसमें घर में कोई नया बच्चा अगर आता है तो आदिवासी ही होगा, उसमें अलग से प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो जन्म के समय से ही उनको प्रमाण पत्र मिल जाए तो आगे जो बच्चा जो पढ़ने में स्कूल जाएगा तो उसके पालक को ज़्यादा चक्कर मत लगाना पड़े, बहुत ही इकट्ठे करने पड़ते हैं, दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ते हैं जिसमें भारी परेशानी होती है। तो इन सब से बचने के लिए सरकार कोई सरलीकरण की व्यवस्था करे, ये इसमें विचार चल रहा है। सरकार के इस फैसले का लाभ मिलना शुरू भी हो गया है। रायगढ़ में ऐसे एक बच्चे को जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र दिया गया। वास्तव में सरकार की इस पहल की जितनी सराहना की जाए वो कम है। वैभव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इजाजत, नमस्कार।